हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। से कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सो आज है 27 नवंबर। आज बहुत सारे लोगों की पहले शादी हुई है, मेरी फ्रेंड है उसकी भी है और आज मेरी बहन की भी शादी है। लास्ट अभी मेरे को एक कमेंट रीड कर रही थी मैं, तो उस कमेंट में लिखा हुआ है कि ये कैसी तैयारियाँ हैं, लहंगा स्टिच नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ यार, पहले तो या तो आप पूरा वीडियोज़ देखो, है ना, और या फिर आप क्वेश्चन ना करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करूं ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिनको पता है उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। पर फिर भी मैं बता देती हूँ, मेरा लहंगा स्टिच नहीं था, वहाँ पे बात हो गई थी, मैं जाती विद इन एक दिन में मेरे को तैयार मिल जाता जिस दिन के लिए मुझे चाहिए था, सब कुछ मतलब डिसाइड था, बट टिकट्स नहीं हुए। एंड दूसरी चीज़ के मैं आप लोगों के लिए उसकी वेडिंग की पिक्चर्स, मतलब वेडिंग की मतलब संगीत की पिक्चर्स हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी ब्लॉग में, इसी में ऐड कर दूँगी। तो इसमें मैं डालूँगी संगीत की, संगीत में थोड़े से डांस एंड ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो थोड़ी थोड़ी मैं क्लिप ऐड कर दूँगी, डांस फोटोज़, तो आप लोग देख लीजिएगा। और मतलब वहाँ पे सबने मुझे मिस किया है, सबने एक ही बात बोली कि वो क्यों नहीं आई, बीच वाली क्यों नहीं आई, बीच वाली क्यों नहीं आई। और उसके तो बच्चे हैं, बच्चे होते तो बहुत मज़ा आता। अच्छा, जैसे कुछ लोगों के लिए जब शादी का टाइम होता है तो जो घूड़ा होता है वो पूजा जाता है, मतलब जहाँ पे कच्चा फेंकते हैं उसको पूजा जाता है। हमारे यहाँ मंदिर जाते हैं, हमारे यहाँ वो पूजते नहीं हैं, तो मंदिर जाते हैं। अच्छा, घूड़े पूजते हैं तब भी, है ना, थाली चम्मच बजती है, और मंदिर जाते हैं हमारे यहाँ तब भी थाली चम्मच बजती है। तो मैं उस टाइम पे मतलब मैंने सोचा था, मैंने कहा अगर 10 ही होती ना तो अब तक तो बजा बजा के पूरा कॉलोनी को बता देती, शादी है मेरी मौसी की। सो बस वही चल रहा है, और मैंने बोला है सिंपल को मेरे को सारी क्लिप्स एंड ऑल देना, कॉल आ गया था, तो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, मतलब जितनी हो पाएंगी मेरे से। बाकी वो सिंपल अपना एक नया चैनल बनाएगी, उस पर डालेगी अपनी वीडियोस सारी डिटेल में, एंड उसका क्या है कैसे सब आप लोग देख लीजिएगा जब भी बनाएगी। अभी फ़िलहाल तो नहीं उस पर टाइम है, बट वो बनाएगी ज़रूर, फ्री होते ही बनाएगी, उसने बोला है, और सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी उसने की है अपनी शादी की। सो मैं सारा काम करके बैठी हुई हूँ बस, और आज तो मतलब इतने दिन से तो मैं वीडियो कॉल पे देख रही थी, और कल तबीयत भी मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मतलब तबीयत ऐसा हो गया है मेरा कल कि मतलब बता नहीं सकते, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, फीवर आ रहा था, और आज शादी हो जाएगी फाइनल। मैं उसको बोली सुबह कि देख आज अपना चेहरा देख ले शीशे में, आज तू सिर्फ सिंपल है, और कल से तो एक पत्नी हो जाएगी, एक बहू हो जाएगी, एक भाभी हो जाएगी, तो बहुत सारे रोल निभने वाले हैं, याद रखना, तो देख ले सारी चीज़ें। तो गई है अभी जस्ट फ़ोन किया था थोड़ी देर पहले, तो सोके उठ के ही मैंने, तो पार्लर गई है, बोली दीदी मैं सब भेजूँगी तुमको, सब बहुत मिस कर रहे थे बच्चों को, मुझे सब बहुत, मैं भी सबको बहुत मिस करी सारी चीज़ों को। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें शायद कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं चलता है, तो कुछ चीज़ें नहीं होनी होती हैं तो नहीं होती हैं, है ना, क्या कर सकते। चलो कोई नहीं, दिखाती हूँ मैं आपको उसका डांस वगैरह, है ना। तो गाइस ये सब दिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को, और वैसे तो मैंने ये शॉर्ट्स में भी डालना है आप लोगों के लिए, बट उसमें हम कुछ अलग सा बना के डालते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती वहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कैसे है। तो ये देखिए ना, मैं वीडियो कॉल में हूँ यहाँ पे, तो ये मैं वीडियो कॉल में ही सारे फंक्शन देखी थी, ऐसे ही मुझे एक एक फंक्शन दिखाया था, हर एक चीज़ दिखाई थी, मुझे रोना भी आया था, बट क्या कर सकती हूँ मैं।
और यहाँ पे ये देखो, ये जौ लेके जा रही है, मंडप तक जाएगी ऐसे ये। और मतलब ये सारे रिचुअल्स सब तो ओके था, मैं बिल्कुल भी नहीं रोई थी, मतलब खुश हो रही थी उसके लिए, चलो अच्छा है। और ये ऐसे हमारे यहाँ चुंदरी लेके भाई जाते हैं मेरे टाइम पे भी ऐसे गए थे। तो सारी चीज़ें हर के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, तब से मेरे टाइम से लेके इसके टाइम तक ज़माना इतना चेंज हो गया है, क्या बोल सकते हैं। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होंठ हैं खामोश लेकिन कह रही धड़कन धड़कन धड़कन। तो गाइस शादी तो निपट गई और ये पहुंच गए हम सिंपल के ससुराल, जहाँ पे वहाँ पे हो रहे हैं उसके रिचुअल्स। और मैं ऑडियो तो नहीं खोल सकती क्योंकि घर वाले अपने आपस में ही सारी चीज़ें रसम जो भी बोलते करते हैं वो सब हो रहा है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर दिया है यहाँ पे। ये इनके जो भी रसम होती है वो हो रही है यहाँ पे, आई डोंट नो, इसके बारे में मैं नहीं जानती और मेरे टाइम पे हुई भी होगी तो मेरे को याद भी नहीं है, बट ये मेरे टाइम पे नहीं हुई थी आई एम श्योर। और सो नए रिश्ते नए लोग नए मतलब काफ़ी अच्छा लगता है और एक नर्वसनेस भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जितना हो पाया मैंने आप लोग के साथ पूरी शादी अपनी इस छोटी सी 10 मिनट की 11 मिनट की वीडियो में पूरी शादी आप लोगों के साथ शेयर कर दी और आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें है ना। आप बस अपने ब्लेसिंग्स देना उसको, कंग्रेचुलेशन करना, और जिनके भी दिमाग में फालतू के क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज़ वो इग्नोर कर दो। जो मेरे को फालतू के कमेंट कर रहे हैं कैसी तैयारी ये वो, मैं एक्सप्लेन कर करके थक गई हूँ, मैं बार बार नहीं कर पाऊँगी है ना, और मैं नहीं जा पाई। एक तो मुझे इसका दुख है और यार पीछे से तुम लोग और पिन करते रहते हो कि ऐसी कैसी तैयारी ये तैयारी होती है। एक तो मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब था इस चीज़ को लेके। खैर छोड़ो, टाइम गया हो गई इसकी शादी, अब जब जाएंगे हम तब मिलेंगे उससे है ना। तो
सो बहुत अच्छा है। ये जो है इसके, आई थिंक ये इसकी भाभी है, मतलब कज़न भाभी है ना। इसके रियल में तो खुशी सबसे बड़ी है, और इसके बाद इसका छोटा भाई है। वैसे अगर देखे तो ताऊ वगैरह में ऐसे हैं सारे, तो ये भाभी हैं, ये ताई जी हैं, ये इनकी बहू है। सब फैमिली में, एक ही जॉइंट फैमिली में रहते हैं सारे लोग मिलके। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और सारी मैंने तो शादी ऐसे ही वीडियो कॉल पे रो रो के एंजॉय करी है। एक मैं क्लिप भी आप लोगों के साथ, शॉर्ट्स क्लिप शेयर करूँगी, चलो इसमें मैं अभी लगा देती हूँ। मैं जितना रोई हूँ ना वीडियो कॉल पे, तो उसका थोड़ा सा पार्ट मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ, आप लोग देख लेना है ना। और इस वीडियो को मैं कंटिन्यू और ज़्यादा जो भी करूँगी बातें, फिर आप अपना डायरेक्ट करूँगी। और ये देखो सिंपल को कितना बड़ा मुंह फाड़ रही है बेचारी, सुबह 5 बजे से जगी है ना, उसको नींद आ रही है ये सारी रस्में करते करते। ये पार्ट तो ना कसम से फनी था, इतना बड़ा मुंह फाड़ रही है वो सोने के नंबर, उसको बहुत नींद आ रही है। मतलब थक जाते हैं यार, इतना हैवी लहंगा एंड एवरीथिंग करते करते रिचुअल। देखो उसका फेस भी पूरा डल हो गया, उसको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। अरे बाप रे, बैठ जाती हूँ मैं आजकल ना, बड़ा आराम करती हूँ, बड़ा लेटती हूँ मैं। अरे मम्मी रे, ऐसा कुछ नहीं है, काम करके लेटती हूँ। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, जो बहुत सारा मेरे लिए कंसर्न दिखाए, बहुत सारा मेरे को प्यार दिया कि ट्विंकल तुम नहीं गई, हमें बहुत बुरा लगा। किसी ने अभी ये भी कॉमेंट किया कि नहीं गई तो कोई बात नहीं, पर छोड़ना मत सिंपल को, मतलब खुशी को, उसे पार्टी लेना। मैंने कहा बिल्कुल लेंगे पार्टी, क्यों नहीं लेंगे। सो कल शादी हो गई, वीडियो कॉल चल रहा था, रोना आ रहा था, सब रो रहे थे वहाँ पे, वो भी रो रही थी, मेरे को भी रोना आ रहा था। तो वो मैंने क्लिप शूट किया है, मैंने डाला भी है शॉर्ट्स में, डाला है या डालूंगी जो भी है। बट आप लोगों के लिए मैंने हर जो भी पिक्चर, जो भी वीडियोस हो पाई है, वो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दी, एंड जो मेरे से बनता है मैंने उतना कर दिया है। अभी बज रहे हैं शाम के 7, आधा घंटे के समथिंग में मैम आ जाएगी टैनी को पढ़ाने। हाँ क्या हो गया, क्या क्या तो बच्चे ना बड़ा आगे तुम कहते, क्या हो गया? ओए आए, अच्छा हनी सबको बता देना मम्मा कैसे मारती है, कैसे मारती मम्मा, पिट्टू कैसे करती मम्मा। और डायनासोर के रेजर है ये देखो, उसका ये डायनासोर का नेक अलग कर दिया, ये देखो सब अलग कर दिया है जी, छाप अलग कर देती है जी, छाप अलग कर देती है, छाप पारी बच्चा है। हनी मम्मा, हनी मम्मा के पास, मम्मा पिट्टू कैसे करती है आपकी, मम्मा पिट्टू कैसे करती है हनी आपकी, कैसे करती है, कभी कभी बदमाशी कर लेता है ना तो पिटाई खाता है हनी भी, हनी कैसे पिटाई खाता है, कैसे करती है, करो पिटाई, करो पिटाई, कैसे करते हैं, सब दे देगा मम्मा के हाथ में, ए कैसे करते हैं पिटाई, ए जब इनसे करवाओ ना तब तो ये कोई भी चीज करते नहीं है, इतने दुष्ट बच्चे होते हैं, अपने मन से जीते, अपने मन से चलते हैं। खेलो यहाँ पे, चला दो यहाँ पे, चला लो उसको, चला लो। सो सिंपल सिंपल अपने ससुराल पहुंच गई बहुत अच्छे से। मैं डर गई, मैंने कहा गेट बंद है, अब जब कोई इस गेट से आके चुपकेगा तब पता चलेगा कोई चुपका है। मैंने ये शेडो कैसे आ रहा है यार, मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। सामने वाले फ्लैट की लाइट जल रही है, इस पे चला लो, यहाँ चला लो, यहाँ चला लो, इस पे चला लो, इस पे क्या क्या कर दो इसको ले। तो सिंपल गई और उससे बात भी हुई है, बहुत मतलब अच्छा है। और आज शायद रात को वो निकल भी जाएगी, आज 28 है,
रात को निकल जाएगी दिल्ली, और दिल्ली से कल उसकी मॉर्निंग में फ्लाइट है, आई थिंक शिमला जा रही है शायद वो उसका। क्या करूँ इसका, चलो अच्छा मैं रख लूँ, अच्छा ओके रख लिया रख लिया रख लिया, तो वो चली जाएगी आज तो चलो। बट मैं एक चीज़ भूल गई कि वो शादीशुदा है, मैं ज़्यादा फ़ोन वो नहीं कर सकती, मेरे को ज़्यादा नहीं करनी, मतलब कर सकती हूँ लेकिन अभी नहीं नहीं है तो सेटल होने में टाइम लगेगा, तो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सो और कल रोना इस बात से आ रहा था कि इतू सी थी, छोटी सी थी यार, उसकी शादी हो गई यार, लाइफ कितनी ज़्यादा मतलब चेंज हो जाती है। ए रखो उसका बुक, हनी पिटाई हो जाएगा, रखो रखो जल्दी। कॉपी लेता उसके कवर फाड़ देता है, रख दो वहीं पे। अच्छा लाल डंडा लेके आती हूँ, अभी पिटाई करती हूँ, रुक जा। टेनी अब इसका लगा दो, थोड़ा देर आपने देख लिया, अब इसको देखने दो। सो मतलब एक ना बहुत इमोशनल अटैचमेंट होती है चीज़ें, आप ना चाहते हुए भी ना रोने लग जाते हो, तो मतलब बहुत एक मोमेंट जो होता है आप लोगों का, मतलब बहन जब ऐसे जाती है या बेटी होती है ये सब, तो मतलब ना रोना चाहो ना तब भी रोना आ ही जाता है, तो वही हुआ है। और क्या ही बोल सकते हैं, और मुझे भी बहुत ख़राब लगा, मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाई, बट कोई नहीं चलो। और सबसे ज़्यादा मुझे पता है जिस दिन शादी हो गई थी मतलब कल, तो मैं रात को ये सोच रही हूँ यार अब मेरे को घर नहीं मिला करेगी, मैं पहले जाती थी बाहर जाना है कहीं जाना है, चल सिंपल चल रहे, अगर उठाया एक्टिवा चल देती थी कुछ भी, चलो दीदी चल रहे चलो चल रहे, बट नाउ ये देखो छोटी बना दो, बाल देखो फिर इनके, इतनी मार खाती है, इतनी डांट खाती है ये लड़की, उसके भी नहीं सुधरती। हाँ फिर भी नहीं सुधरती है, देख तू मम्मा जैसी लगती है क्या। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, रोना आता है, ये सब होता है। मम्मा खुद ही नहीं है, मैं तो खुद ही ना। सो चलो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अपने के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड ये छोटा सा वीडियो मैंने शूट किया, इसमें सारी चीज़ें जो भी थी फेरा एंड ऑल जो भी मेरे से हो पाया मैंने आप लोग के लिए साथ शेयर कर दिया है, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय बाय। ये देखो दांत देखा ना, ये करना, ये देखो इसका दांत, ये वाला आया नहीं, ये वाला दांत बहुत जल्दी आ गया था, ये वाला आया ही नहीं इसका, पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहा, ये करना शायद लेट से आएगा, और ये वाला बहुत जल्दी आ गया था, टूटा भी और आ भी गया, एक ही दिन में टूटा एक ही दिन में आ गया। चलो चलो बाय, मुझे खाने को दे दे कुछ गाइस। गाइस देंगे खाने को।